जैस कैश से इजी पैसा में पैसे ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आपने सबसे पहले जैस कैश ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन के ऊपर टैप करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर 4 इंची कोड एंटर करेंगे, मैं यहाँ पर लॉगिन विद फिंगरप्रिंट करके लॉगिन करने लगा हूँ। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इससे नीचे आपने मनी ट्रांसफर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मनी ट्रांसफर का ऑप्शन ना हो तो आपने सिंपली स्क्रीन को नीचे से पकड़ के ऊपर करना है और यहाँ पर आपको अदर वॉलेट्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर यहाँ पर भी ऑप्शन ना हो तो नीचे कहीं पर स्क्रोल डाउन करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली अदर वॉलेट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने दोस्तों इजी पैसा को सिलेक्ट कर लेना। याद रखें जैस कैश के अंदर अदर वॉलेट के लिए अलग ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफर के लिए अलग ऑप्शन है। आपने सिंपली इजी पैसा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने सबसे ऊपर नंबर लिखना है उस बंदे का जिसके इजी पैसा अकाउंट के अंदर आप पैसे सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपली आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है जो आप अमाउंट सेंड करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 100 रुपये सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 100 लिख लूँगा। उसके बाद नीचे आपने सेंड के ऑप्शन को टैप करना है। यहाँ पर आपने पर्पस बताना है कि आप पैसे क्यों सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फैमिली सपोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने सीवर का मोबाइल नंबर लिखना है, ये ऑप्शनल है, आप इसको सिंपली स्किप कर दें। सीवर का नेम और अकाउंट टाइप बता रहा होगा, यहाँ पर इजी पैसा है। उसके बाद आपको टोटल फी 0 रुपीज़ है अभी और टोटल अमाउंट बता रहा होगा। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपने कन्फर्म ट्रांजेक्शन के ऊपर टैप करना है तो ये पैसे, उसके बाद अगेन कन्फर्मेशन मांगेगा। आप यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू या अपना 4 इंची कोड लगाकर कन्फर्म कर सकते हैं। मैं सिंपली बायोमेट्रिक तरीके से फिंगरप्रिंट लगाकर इसे कन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही सेंड हो जाएगा आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और यहाँ पर रसीद भी शो हो रही होगी। आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।